नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ पहुंचे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, स्वागत के लिए उमड़े समर्थक। श्यामदेव मंदिर में बहाई भजनों की गंगा, आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। न्यू ईयर पर खालसा कॉलेज में कल्चरल वीक का आगाज, विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला। बलवाश्वर एटीएम का शीशा तोड़ा, बैंक मैनेजर ने की पुलिस में शिकायत। अब समाचार विस्तार से। जब अपना कोई बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो यकीनन रूहानी खुशी मिलती है। राज्य के नवनियुक्त चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी उन अपनों में शामिल हैं, खासकर हनुमानगढ़ के नागरिकों के लिए। मंत्री बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर समर्थकों ने जैसे स्वागत में पलक पांवड़े ही बिछा दिए। प्रदेश की नवगठित भाजपा सरकार में चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर हनुमानगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। हनुमानगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करते हुए कार्यकर्ताओं ने कोहला के पास चिकित्सा मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। राज्य के चिकित्सा मंत्री के रूप में मैं पहली बार अपने गृह नगर में आया हूं। आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि भी है और चूंकि सरकार ने अभी अभी कार्य संभाला है, जो विभाग मुझे मिला है इसमें बहुत कमियां खामियां हैं। हमने 60 दिन की कार्यकारी योजना बनाई है। इन 60 दिन में राजस्थान में कोई भी ऐसी चिकित्सा संस्थान और आयुर्वेद चिकित्सालय का कोई संस्थान नहीं बचेगा जहां पर हमारा अधिकारी जाकर उसका निरीक्षण नहीं करेगा। स्वास्थ्य के मापदंडों को जब हम देखते हैं तो राजस्थान देश में बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में है। हमारी मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है, हमारी शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। जो मिलेनियम गोल तय हुए थे उनको भी हम अचीव नहीं कर पाए। बहुत सी चुनौतियां हैं इस विभाग के अंदर, उनको स्वीकार करके उन्हें पूरा करने का काम करूंगा। अभी साल का प्रथम दिन है इसलिए अभी तो मैं प्रदेशवासियों को यही कहूंगा कि नई सरकार और नया राजस्थान वसुंधरा जी बनाना चाहती है और जनता से जुड़े हुए वो महकमे जो अब तक गतिशील नहीं हुए थे अब गति पकड़ रहे हैं। लोगों को नई सरकार के आने की आहट सुनाई देने लग गई है। लगभग सभी जगह पर काम प्रारंभ हुआ है और विरासत के अंदर जिस प्रकार का राजस्थान मिला है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से चौपट राजस्थान, विकास की दृष्टि से ठहरा हुआ राजस्थान, और इन सब का चुनौतियों को हमारी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके और इन दिनों में हम सब मंत्रियों पर पाबंदी लगाई थी कि हम लोग एक बार अपने गृह नगर में भी जाकर माला और स्वागत नहीं करवाएं जब तक अपने विभाग को समझ नहीं लें। पहली बार हमें राजधानी को छोड़ने का 3 दिन का मौका मिला है। मैं कल मेरे विधानसभा जहाँ से मैं 6ठी बार निर्वाचित हूँ वहाँ जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा और उसके बाद फिर हम उसी काम में लगेंगे। राजस्थान की विधानसभा का सत्र भी 21 जनवरी से आउट हो गया है और ये सारी चुनौती हमारे सामने जिसको हम पूरा करेंगे। इसके बाद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने फूड ग्रेन धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया। साल के प्रथम दिन पर और राज्य के चिकित्सा मंत्री के रूप में मेरा पहला भ्रमण, मेरा पहला प्रवास उस विद्यालय के मानसन में हो रहा है जहां मेरा बचपन बीता है। व्यक्ति का कर्मस्थल बदलता रहता है पर जहां जन्मा हो, वहां बचपन बीता हो, वो स्मृति में सजग किए रहता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष तौर पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन को जिन्होंने मेरे आह्वान पर मेरा अभिनंदन किया, मुझे माला बनाई, मुझे स्मृति चिन्ह दिए।
मैं तो इस अवसर पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि राजस्थान के आवाम ने इस बार ऐतिहासिक दिन आदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी को। आज तक जब से वोट का राज प्रारंभ हुआ है, इतनी क्रांति हार किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई जितनी इस बार कांग्रेस पार्टी की हुई है। कांटों पर लाल झंडा ने फहराया है, जनता की उम्मीद भी बहुत है, अपेक्षाएं भी बहुत हैं, और इस बार इन सारी चीजों को लेकर जब सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे नेता वसुंधरा जी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर जाकर वहां की समस्याओं को आत्मसात कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने एक संकल्प पत्र, जिसको चुनाव घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उसकी एक हमारे 6 लोगों की समिति बनाई जिसमें मैं भी था, और उस समिति में हम लोगों ने वो सारी जन समस्याएं जो ज्वलंत तरीके से राजस्थान को झकझोर रही थी, उस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान के लोगों के सामने संकल्प लिया। नए साल की शुरुआत श्याम प्रभु के भजनों से हो तो फिर पूरे साल तक आनंद महसूस करना बड़ी बात नहीं। इसी सोच के साथ टाउन के श्याम भक्तों ने टाउन जंक्शन रोड के पास श्री श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया। नए साल पर जश्न मनाने का अलग तरीका। हालांकि 1 जनवरी को नया साल मनाने वालों को वेस्टर्न कल्चर का समर्थक माना जाता है, बावजूद इसके श्याम भक्तों ने 31 दिसंबर की रात को भजनों के साथ बिताया। इसके तहत टाउन जंक्शन रोड के पास तुलसी विहार स्थित बाबा श्याम मंदिर में श्याम भक्त जुटे। गायक जयदीप भिड़ासरा ने एक के बाद एक भजन गाकर माहौल को श्याममय बना दिया। श्याम भक्त मणिराम प्रधान, रमन बंसल आदि भी देर रात तक श्याम भक्ति में लीन नजर आए। बाद में आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। जो ही रात के 12 बजे लोगों ने मंदिर के सामने आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। नए साल का आगाज हो गया है। एसडीएल खालसा कॉलेज में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नए साल का स्वागत किया। वहीं इसके साथ ही आज से कल्चरल वीक का आगाज भी किया गया। इसका समापन 5 जनवरी को होगा। एसडीएल खालसा कॉलेज में वर्ष 2014 का आगाज मानव श्रृंखला बनाकर किया गया। मानव श्रृंखला को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इसके साथ ही कॉलेज में कल्चरल वीक का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन छात्राओं ने रुमाल झपटा गेम का आनंद लिया। इसका समापन 5 जनवरी को होगा। प्राचार्य श्याम शर्मा के मुताबिक कल्चरल वीक के तहत कई कार्यक्रम होंगे। नववर्ष के उपलक्ष्य में बच्चों ने हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ मानव श्रृंखला बना करके इसका स्वागत किया,
और इसी के साथ हमारा कल्चरल वीक जो था हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं जो थी खेल प्रतियोगिताएं उनको रखा है। पूरे एक हफ्ते के लिए ये सब चलेगा और इसके अंदर आज पहले दिन बच्चियों ने रुमाल झपट्टा नामक गेम को खेल करके इसका आगाज किया और ये पूरे हफ्ते भर विभिन्न प्रतियोगिताएं होगी और 5 तारीख को इसका समापन। हर किसी ने नए साल को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। गांधीनगर मोहल्ला समिति की ओर से पार्क में कार्यक्रम हुआ, इसमें बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। गांधीनगर मोहल्ला समिति की ओर से वर्ष 2014 का सामूहिक स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे विधायक डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपसभापति कालूराम शर्मा, पार्षद नगीनाबाई, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी आदि शामिल हुए। सबने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD TV उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। नया साल नया उमंग, सब कुछ नया नया सा। युवाओं ने भी नए साल पर कुछ नया करने का संकल्प लिया है। किसी ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास करने की बात कही तो किसी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की।
कार्यचरण ने युवाओं से उनके संकल्प को लेकर मंतव्य जाना तो यह विचार सामने आए। आइए देखते हैं क्या संकल्प ले रहे हैं युवा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं आज से जो भी दीन दुखी हैं या गरीब हैं उन सभी की समाज सेवा करूंगा। नए साल में प्रयत्न करूंगा कि मेरे साथी जो नशा करते हैं, मेरे जो साथ में हैं और भ्रूण हत्या के शिकार हैं, उनको मैं समझाऊंगा कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है और उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर वक्त मैं उनका साथ दूँ और जहाँ भी जरूर पड़ी मैं उनके काम आऊँ। न्यू ईयर पे तो मैं मेन पहले गर्ल्स के लिए पहला जो मेन उद्देश्य है मेरा यही है कि जो कन्या भ्रूण हत्या जो आजकल के टाइम में ज्यादा बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए और जो गर्ल्स पिछड़ी हुई हैं उन्हें आगे लेके आने के लिए, उन्हें एजुकेशन के स्तर पे ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और जो गर्ल्स की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो गई उसे सुधारने के लिए मेन संकल्प तो मैं खुद लेना चाहूंगी औरों को भी यही कहना चाहूंगी कि वो भी इस संकल्प को ले ताकि हमारे समाज में नारी की स्थिति चेंज हो। कुछ से बढ़ रहे हैं अपराध, हम चाहेंगे कि नए साल में भ्रष्टाचार अपराध भी सरकार पहले उनको कम करने की कोशिश करे और जो औरतों के प्रति जो बढ़ रही है उन्हें कम करे ताकि औरतें माहौल में जी सकें। हर जगह सरकार ये कोशिश कर रही है कि नई नई शिक्षा में शिक्षा नीतियां लागू कर रही है, लड़कियों को पढ़ाने का बढ़ावा कर रही है, लेकिन जब अगर माहौल ही लड़कियों को पढ़ाने के अनुरूप नहीं होगा तो ये शिक्षा नीतियां वगैरह कुछ भी फायदा नहीं होगा इनका। महंगाई पे काबू करें ताकि आम इंसान को ही आगे बढ़ने का मौका मिले। महंगाई को काबू करने के लिए पहले हम लोग अपने तरफ से पहले करेंगे, लोगों को जागरूक घर घर जाके उनको बताएंगे और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करेंगे कि क्या चीज़ है जो उनको भ्रष्टाचार में ला रही है और किस चीज़ से उनको कम करना है उसके प्रति जागरूक करेंगे घर घर जाके लोगों को नाटकों के द्वारा। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कोई बुरा अत्याचार या कुछ ऐसा हिंसक कार्य होता है तो उसको उसके प्रति खुद को दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ना अगर किसी के साथ कुछ ऐसा वैसा कार्य हो रहा है तो उसकी गवर्नमेंट को भी रूल्स बनाने चाहिए और ना खुद की सेफ्टी खुद करनी चाहिए और दूसरी लड़कियों को भी ऐसा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी खुद सेफ्टी कर सके। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए मैं खुद प्रयास करूंगी कि लड़कियों को खुद प्रोत्साहित करूं, लड़कियों को खुद ऐसी बातें बताऊं ताकि वो अपने खुद सेफ्टी कर सके और गवर्नमेंट को भी ऐसी रूल्स बनाने चाहिए। यूं तो वीर बजरंग बली संकट मोचक माने जाते हैं, विपरीत समय को अनुकूल करना उनके वश में है, लेकिन श्रद्धालुओं को उनकी फिक्र है। जो ही ठंड का प्रकोप बढ़ा श्रद्धालुओं को अपने इष्ट हनुमान जी की याद आ गई और उन्होंने उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करवाई। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। यह मंदिर है हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन रोड स्थित हनुमान जी का। संकट मोचक हनुमान गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं, वस्त्र भी उन्हीं प्रतीत हो रहा है। यही नहीं, सिर पर गर्म टोपी भी है, पास ही है श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, गर्म वस्त्र में वे भी लिपटे हैं। जब हमने पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सब श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रमाण है, वे खुद बनाकर लाते हैं और हमें भक्तों की बातें माननी ही पड़ती हैं। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ लग रही है, इतनी सर्दी है जो आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। श्रद्धालु की भगत जिया आपकी श्रद्धा में वस्त्र जिया गर्म है या जो कभी अच्छा लगे वो पहना है। हर साल ऐसे यानी वस्त्र भी बनाते हैं, साल भी उड़ाते हैं। बदमाशों ने टाउन में बैंक के एक एटीएम को शीशा तोड़ दिया, हालांकि एटीएम पूरी तरह सुरक्षित है। बावजूद इसके सूचना मिलने पर बैंक के मैनेजर ने पुलिस से शिकायत की है। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम। टाउन में स्थित इस एटीएम को कुछ बदमाशों ने निशाना बनाने की कोशिश की, उन्होंने एटीएम के शीशे तोड़ दिए। इसकी जानकारी तब मिली जब सफाई कर्मी एटीएम की सफाई करने पहुंचा, उसने शीशे का टुकड़ा देखा तो दंग रह गया। तत्काल बैंक मैनेजर को खबर दी गई, मैनेजर एनके सनाढ़िया ने पुलिस को खबर दी। पुलिस कर्मियों ने मौके का मुआयना किया। मैनेजर ने स्काई चैनल को बताया कि इस संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत की गई है। सुबह जब सफाई कर्मचारी शाखा परिसर की सफाई करने आए तो देखा कि एटीएम का शीशा टूटा हुआ है
और काज बिखरे हुए हैं, उनने तत्काल मेरे को सूचना दी और फिर हमने पुलिस स्टेशन पर आवश्यक कार्रवाई तो निवेदन किया, उनने भी आके मौका मुआयना कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि रात को कुछ ऐसा सामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर इस शीशे को तोड़ा है, और कोई तोड़फोड़ और नुकसान की संभावना प्रतीत नहीं होती। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बीकानेर में आयोजित अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसमें जंक्शन के हसन खालसा कॉलेज के छात्र रामावतार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर हनुमानगढ़ लौटे खिलाड़ी रामावतार का आज महाविद्यालय प्रबंध समिति ने सम्मान किया। कोऑर्डिनेटर मलकीत सिंह मान, डायरेक्टर अंग्रेज सिंह, प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा व व्याख्याताओं ने रामावतार का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। महाविद्यालय की कोच हरप्रीत सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रामावतार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की टीम का नेतृत्व करेगा। खालसा कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा बच्चा आज गोल्ड मेडल लेके आया है। अब ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए चंडीगढ़ जाएगा और इससे पहले भी हमारे कॉलेज के खिलाड़ियों ने खो खो के अंदर रनर अप रहे थे, जिसमें आगे भी चार बच्चे खेलने गए। हमारे क्रॉस कंट्री के अंदर भी एक छात्र हमारा रनर रहा था बीकानेर यूनिवर्सिटी से, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए गया है। और हमारा पूरे स्टाफ का, मैनेजमेंट का यही प्रयास रहता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें और इनको हर बैड एलिमेंट से दूर रखें। बीकानेर यूनिवर्सिटी से स्टेट खेलने गया और वहाँ पे मैंने 24 राउंड बाद मुझे विजय घोषित किया और मैं अब कॉलेज वालों से, प्रिंसिपल से वादा करता हूँ कि नेशनल चंडीगढ़ में होने वाली प्रतियोगिता में मैं मेडल लेके लौटूं। सिकलीगढ़ समाज और सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है, लेकिन आज तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के लोगों को पूरी तरह से नहीं मिला है। अब सिकलीगढ़ समाज ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होने का निर्णय किया है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सिकलीगढ़ समाज सेवा समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति सदस्यों ने राज्य सरकार की निःशुल्क आवास योजना का लाभ सिकलीगढ़ समाज को देने की मांग पर विचार विमर्श किया। समिति अध्यक्ष जी सिंह ने कहा कि वर्तमान विधानसभा चुनावों में हनुमानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप ने वादा किया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सिकलीगढ़ समाज को नगर परिषद के माध्यम से निशुल्क आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। बैठक में सिकलीगढ़ समाज ने चुनावों में किए गए वादे को पूरा करने के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर राम प्रताप व प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय किया। जो सिकलीगढ़ समाज है, मतलब यहाँ मजदूरी में ये अपने लोहे का काम करते हैं जी। और ज़्यादातर हमारे अनपढ़ हैं और सारे मतलब इकट्ठे रहते हैं कबीले के तौर पे जी। और पुराने रह रहे हैं भट्ठे पर। आज तक हमने मतलब कई बार मांग मतलब दी है और कहा है कि भी हमारी मतलब यहाँ इनका कॉलोनियों का कोई मतलब काट के दी जाए और हमें अपना मतलब एक एक घर में 10-10 आदमी घुस रहे हैं जो जगह है नहीं जी। और पहले भी कई बार डॉक्टर जी को हमने मतलब निवेदन किया था कि भाई ये हमारा मतलब बसाया जाए हमें जी। जैसे गंगानगर में बसाया हुआ सिकलीगरों को, ऐसे भी हनुमानगढ़ में बसाया जाए और उसकी मतलब समीक्षा करके
और मतलब जहाँ भी है मतलब वहाँ में बसाया जाए और हाँ हमारी कॉलोनी कटे और यहाँ हमारा मतलब मुआयना लिया जाए, देखा जाए कि भी कैसे रह रहे हैं, ना तो गलियाँ हैं, ना पार्क हैं और ना कुछ सड़कें हैं, और हमारी आज तक किसी ने सुनी नहीं है। डॉक्टर को कई बार हमने कहा है, उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि भी जरूर आपका करेंगे। टाउन की लोहा मार्केट में जलदाय विभाग की पाइप लीकेज होने से नागरिक परेशान हैं। लोगों ने कई बार जलदाय विभाग को पाइपलाइन ठीक करने के लिए सूचित किया, लेकिन 6 माह बीतने पर भी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। टाउन की लोहा मार्केट में मुख्य सड़क पर करीब 6 महीने से फैला है पानी। कारण इस सड़क के नीचे गुजरने वाली जलदाय विभाग की पाइपलाइन 6 माह से लीकेज है। पाइपलाइन ठीक करने के लिए जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाने के बावजूद समस्या जस की तस है। आज मार्केट के लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उनका कहना है कि लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी नालियों में बह रहा है। लोहा मार्केट में पानी की लीकेज के संबंध में हमने जलदाय विभाग को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये 7/1/2013 को भी उनको ज्ञापन दे दिया जा चुका है, उससे पहले भी उनको 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर फिर भी जगह जगह पाइपलाइन टूटी है जिससे मजबूरन गंदा पानी पीने को विवश है। इस शहर की मॉडल सड़क है, सबसे सुंदर सड़क और सबसे चौड़ी सड़कों में इसका नाम आता है, परंतु आज ये हालत इसकी है कि जगह जगह से लीकेज हो गई है। स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोग घरों के अंदर देखते हैं तो गंदा और गंदला पानी, कीड़े युक्त पानी आ रहा है। यहाँ पर लोग अंधेरे के कारण, लाइटें भी नहीं है, देख रहे हो आप, बीच में डिवाइडर बना हुआ है परंतु लाइट नहीं है, इस कारण यहाँ पर अंधेरा रहता है और लेबर लोग इस धुंध के अंदर, आम जन लोग यहाँ पर काफी गिर गए हैं, काफी लोगों को चोटें आई है। हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ये समस्याएं हैं जो पोश इलाका है, पोश इलाके के अंदर ये हालत है, तो कच्ची बस्ती है, दूसरी गरीब जनताओं का क्या हाल होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।